नमस्कार, आप देख रहे हैं आरफट न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूं दानापुर के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, जहां पे आपको बता दें कि मुंबई से जो ट्रेन चल के आ रही थी, जिसका इंतज़ार सारे मीडिया कर्मी, सारे जो लोग हैं पुलिसकर्मी जो कर रहे थे, वो ट्रेन जो है आप इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि ट्रेन जो है इन कर चुकी है, और जिसमें कोरोना के मरीज को जो संदिग्ध पाने की जो किया गया था चेकिंग के दौरान, यहाँ पे पूरी व्यवस्था जो है पुलिस प्रशासन की ओर से देख सकते हैं, रेलवे के द्वारा पुलिस प्रशासन को किस प्रकार व्यवस्था की गई है कि एक भी जो यात्री जो है यहाँ से बाहर ना निकले, सभी की जाँच जो है करवाई जाएगी। देख सकते हैं आप तस्वीर के माध्यम से कि किस प्रकार जो है ट्रेन जो है भी इन कर रही है। आपको बता दें कि देखिए, इस तस्वीर के माध्यम से आपको दिखा सकते हैं कि किस प्रकार जो है ट्रेन जो है यहाँ पे इन कर रही है। आपको बता दें कि मुंबई से चल के जो स्पेशल ट्रेन जो है चल के आने वाली थी, वो ट्रेन जो है जिसका इंतज़ार सभी को था, वो ट्रेन जो है इन कर चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। यात्रियों से खचाखच जो ट्रेन है ये भरी हुई है। आपको हम बता दें कि चारों तरफ जो है पुलिस जो है यहाँ पर, रेल प्रशासन जो है मुस्तैद है, इसलिए मुस्तैद है ताकि देखिए किस प्रकार जो है ट्रेन जो है अभी इन कर रही है, और इसमें जितने भी यात्री हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए, यात्री जो भागे नहीं, निकल के ना जाए बिना जांच प्रक्रिया के, उनके लिए पुलिस जो है इस ट्रेन में ड्यूटी लगाई गई है। रेल प्रशासन की ओर से ड्यूटी लगा दिया गया है। देख सकते हैं आप तस्वीर में कि किस प्रकार से उनकी ड्यूटी लगा दिया गया है। देख सकते हैं सभी का जो पैसेंजर, जितने भी यात्री हैं, उनके जो है मुख में कोई मास्क लगा के बैठा है, तो कोई गमछा से मुंह बांधा है, तो कोई रुमाल से ही अपना मुंह जो ढका हुआ है। देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है किस प्रकार से उस ट्रेन में भी मुस्तैद है, लेकिन ट्रेन में उतनी भीड़ नहीं है, फिर भी यात्री को माने तो लमसम कहीं ना कहीं 5,000-8,000 यात्री जो हैं इस ट्रेन में होंगे, और सभी की जांच, आपको हम बता दें कि सभी की जांच प्रक्रिया जो है इस दानापुर स्टेशन पे कोरोना जांच होगा, उसके बाद जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाया जाएगा उसे इंसुलेशन वार्ड में लिया जाएगा। यहां आपको बता दें कि रेलवे हाई स्कूल में भी इंसुलेशन वार्ड बनाया गया है, फिर रेलवे हॉस्पिटल में भी बेड्स लगाए गए, वहाँ भी व्यवस्था की गई है। उसके बाद एक मधु कॉलोनी, रेलवे की मधु कॉलोनी है, उसमें भी व्यवस्था लगाई गई है। आपको बता दें, देख सकते हैं किस प्रकार से जो ट्रेन है यहाँ पे आ चुकी है, और सभी यात्री यहाँ से उतरेंगे, और उतरने के बाद उनकी जांच होगी और फिर उन्हें छोड़ा जाएगा घर के लिए। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप हमारे आरभट न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, इंस्टा और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ पंकज कुमार, आरभट न्यूज़, दानापुर।